आगामी त्योहारों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना को लेकर केवराली विकासखंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति बैठक का आयोजन एसडीएम कार्यालय केवलारी में किया गया, जिसमें एसडीएम केवलारी अमित सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भगत सिंह गोठरिया, थाना प्रभारी के अवस्थी सचिन अवधिया, अरुण चौरसिया, नीलेश अवधिया, होरी जंघेला, वसोडी लाल प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में चल समारोह जुलूस के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। मूर्ति विसर्जन में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिसकी लिखित अनुमति भी अनुविभागीय दंडाधिकारी केवलारी से प्राप्त करनी होगी। केवलारी मुख्यालय के प्रतिमाओं का विसर्जन वेनगंगा नदी केवलारी में निर्धारित टाइम स्लॉट में किया जाएगा। विसर्जन घाटों पर एक समय में एक ही समिति की मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा समिति प्रबंधन से चर्चा कर पृथक पृथक समय निर्धारित किए जाएंगे, ताकि विसर्जन स्थल पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो। इसी तरह दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम प्रतीकात्मक स्वरूप छोटे रूप में आयोजित होंगे। समिति के सर्वसम्मति से लिए निर्णय अनुसार केवलारी मुख्यालय में होने वाला रावण दहन नहीं किया जाएगा। अन्य स्थानों पर समिति सदस्यों की उपस्थिति में ही रावण दहन कार्यक्रम छोटे रूप में कम से कम भीड़ में किया जाएगा। नए सभी धार्मिक कार्यक्रमों की कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क अथवा फेस कवर के उपयोग के साथ ही सैनिटाइजर व अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इसी तरह ज्वारे विसर्जन की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। वाहनों के माध्यम से घर घर से ज्वारे प्राप्त कर स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका विधिवत विसर्जन किया जाएगा। शास्त्र पूजन का चल समारोह आयोजित नहीं किया गया। पांडालों के कार्यक्रमों की संबंधित समिति द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाकर प्रस्तुत की जाएगी। केवलारी वासियों से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अनावश्यक घरों से ना निकले तथा मास्क, गमछे, फेस कवर का उपयोग करें तथा मानक एवं 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए केवलारी से राजू मेहरा की रिपोर्ट।